मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सके मेरी रेसिपी सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल रेसिपी आदू पाक, और उसके लिए हमें सामग्री चाहिए 150 ग्राम गेहूं का आटा, 200 ग्राम गुड़, 150 ग्राम घी, 50 ग्राम गेहूं का जाड़ा आटा और 100 ग्राम अदरक। मैंने अदरक को छील लिया है, अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। अदरक ग्रेट होके तैयार है, अब हम गेहूं का आटा सेक लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून घी मीडियम आंच पे गरम होने रखेंगे। जब घी हल्का सा गरम हो जाए तब हम उसमें गेहूं का आटा और गेहूं का जाड़ा आटा भी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गेहूं के आटे को कलर हल्का सा चेंज होने तक सेक लेंगे। पांच से सात मिनट तक गेहूं के आटे को मीडियम आंच पे सेकने के बाद इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और गेहूं के आटे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में हम 2 टेबलस्पून घी गरम होने रखेंगे। जब घी हल्का सा गरम हो जाए तब हम उसमें अदरक ऐड करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक सौते कर लेंगे। चार से पांच मिनट तक आलू को मीडियम आंच पे सौते करने के बाद हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे गेहूं के आटे में ऐड करेंगे। एक बड़ी सी कढ़ाई में हम बचा हुआ सारा घी ऐड करेंगे और इसे मीडियम आंच पे गरम होने रखेंगे। जब घी हल्का सा गरम हो जाए तब हम उसमें गुड़ ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मेल्ट करेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम आंच को धीमा करेंगे और इसमें गेहूं का सिका हुआ आटा और अदरक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक थाली में निकालेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। आदू पाक को 5 मिनट ठंडा करने के बाद अब हम इसके पीस कर लेंगे। इसके पीस छोटे छोटे करें। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। विंटर स्पेशल आदू पाक तैयार है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर एयरटाइट कंटेनर में 3 से 4 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो। ठंडी के मौसम में आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।